हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आज हमारा सब्जेक्ट है लुकिंग अराउंड, स्टैंडर्ड 4, चैप्टर नंबर 17, तेजल इन अहमदाबाद। ये वाला चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन कर लिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया था, ओके। तो आज हम वर्कबुक में करने वाले हैं। वर्कबुक में चैप्टर 17 पेज नंबर 36 निकालो। चलो, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है हमारा? एमसीक्यू वाला। तो उसमें पहला क्या है? टू वोज हाउस डिड तेजल गो फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। तेजल है वो अपनी मम्मा की ट्रीटमेंट के लिए किसके घर गई थी? तो उसके मामा के घर। तो इसमें हमारा आंसर है बी, हर मामास। सेकेंड देखो, इन विच व्हीकल डिड तेजल ट्रैवल फ्रॉम हर विलेज टू अहमदाबाद। तेजल है वो अपने गांव से अहमदाबाद किस में गई थी? तो बाय ट्रेन। तो इसमें हमारा आंसर है सी, इन अ ट्रेन, ट्रेन में बैठ के गई थी वो। थर्ड वाला देखो, एट मामाज प्लेस वेर डिड रुतवा एंड तेजल गो टू फैच वाटर। उसके मामा के घर रुतवा और तेजल वो पानी कहाँ से भरते थे? तो जो पब्लिक टैप था उसमें से। तो इसमें हमारा आंसर है ए, टू दी पब्लिक टैप। फोर्थ वाला देखो, वेर वॉज द टॉयलेट इन मामाज हाउस। उसके मामा के घर टॉयलेट है वो कहाँ पर था? तो उसके मामा के घर टॉयलेट है वो एट द एंड ऑफ द लेन, यानी वो जो वहाँ रहते थे तो गली के एंड में वो टॉयलेट था। तो इसमें हमारा आंसर है डी। फिफ्थ देखो, वेयर वॉज तेजल्स मदर बींग ट्रीटेड, यानी कि तेजल की जो मॉम है वो कहाँ, उनका ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रहा था? तो कौन से हॉस्पिटल में? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इसमें हमारा आंसर है बी, इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करवा सके। सिक्स देखो, वॉट डिड तेजल विश टू सी इन अहमदाबाद। तेजल को अहमदाबाद में क्या देखने की इच्छा थी? रिवर फ्रंट। तो इसमें हमारा आंसर है बी। सेवन देखो, वॉट इज मदर सिस्टर कोल्ड। आपकी मॉम है उसकी बहन को आप क्या बोलते हैं? मासी। तो सेवन में हमारा आंसर है सी, ओके। क्वेश्चन सेकेंड देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखो, उसमें तेजल हैड कम टू ब्लैंक सिटी फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। तेजल अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए किस शहर में गई थी? अहमदाबाद में। सेकेंड, ब्लैंक हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू पिकअप तेजल एंड हर मदर। रेलवे स्टेशन पर तेजल और उसकी मॉम को लेने कौन आया था? तो उसके मामा। थर्ड, तेजल हैड टू गो टू द ब्लैंक टू फेच वाटर ड्यूरिंग द समर। तेजल है वो गांव में गर्मियों के दिनों में पानी कहाँ से भरती थी? तो रिवर में से, नदी में से। फोर्थ, इट इज़ नेसेसरी टू बाय अ ब्लैंक टू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय बस। अगर हमें बाय ट्रेन और बाय बस कहीं जाना हो तो हमें क्या खरीदना पड़ता है? टिकट। फिफ्थ देखो, तेजल्स मदर्स मदर इज रिलेटेड टू हर एज हर ब्लैंक। तेजल की जो मॉम है उसकी मॉम है वो तेजल की क्या लगती है? तो ग्रैंड मदर, यानी नानी। हम अपनी मम्मी की मम्मी को नानी बुलाते हैं और पापा की मम्मी को दादी बुलाते हैं। सामने देखो पेज नंबर 37 पर 6 वाला, मामास वाइफ इज कॉल्ड मामी। मामा की वाइफ को हम मामी बोलते हैं। तो काकास वाइफ इज कॉल्ड, तो काका की वाइफ को हम क्या बोलेंगे? काकी, ओके। क्वेश्चन थ्री देखो, ट्रू और फॉल्स है। उसमें फर्स्ट देखो, तेजल हैज़ कम टू अहमदाबाद फॉर अ वेडिंग इन हर मामाज हाउस। तेजल है वो अहमदाबाद अपने मामा के घर वेडिंग यानी शादी में गई थी। तो रॉन्ग है, इसमें आपको लिखना है फॉल्स। सेकेंड, तेजल्स मामी वेंट टू हर्ष हाउस एज अ डोमेस्टिक हेल्प। तेजल की जो मामी है वो हर्ष के घर पे काम करने जाती है। तो ये ट्रू है। थर्ड वाला, मामी एंड तेजल वेंट टू हर्ष हाउस इन अ लिफ्ट। मामी और तेजल है वो हर्ष के घर कैसे गए थे? लिफ्ट में। तो ये ट्रू है, थर्ड वाला सेंटेंस। फोर्थ देखो, एट मामाज प्लेस तेजल हैड टू गो एट 4 AM टू फैच वाटर। मामा के घर तेजल है वो सुबह 4 बजे पानी भरने जाती थी। तो ट्रू आएगा इसमें। फिफ्थ देखो, तेजल्स फादर यूज टू गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर मदर। तेजल के पापा है वो उसकी मोम को देखने हॉस्पिटल जाते थे। तो ये रॉन्ग सेंटेंस है।
फॉल्स आएगा उसमें। सिक्स देखो, फादर्स मदर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर, यानी दादी, जो पापा की मम्मी होती है उसे हम दादी बुलाते हैं, तो ट्रू सेंटेंस है ये। क्वेश्चन फोर देखो, मैच दी कॉलम्स। कॉलम ए में देखो, फादर्स सिस्टर, फर्स्ट में क्या दिया है, फादर्स सिस्टर, यानी पापा की जो बहन होती है उसे हम क्या बुलाते हैं, फोई बुलाते हैं, बुआ बुलाते हैं, तो उसमें हमारा आंसर है डी। कॉलम बी में देखो, आंसर दिया है डी। सेकंड देखो, मदर्स सिस्टर, जो अब हमारी मम्मी होती है उनकी बहन है उसको हम क्या बुलाते हैं, मासी, तो आपको लिखना है ई, मासी। थर्ड देखो, मदर्स फादर, मम्मी के जो पापा होते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, ग्रैंडफादर, यानी नाना, तो उसमें हमारा आंसर है ए। फोर्थ देखो, फादर्स यंगर ब्रदर, पापा के जो भाई होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काका, तो इसमें हमारा आंसर है बी। ओके चलो, क्वेश्चन फाइव देखो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एज आस्क। उसमें फर्स्ट क्या है, व्हाट वेर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेर मामा लिव्ड एंड द हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स। तो हमें आपको नीचे बॉक्स दिया है कि मामा के घर, मामा का घर किस एरिया में था और कैसा था, और सामने बाजू की बॉक्स में दिया है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में घर कैसे होते, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, उसमें से देखकर आपको लिखना है। चलो पेज टर्न करो, पेज नंबर 38, वहाँ पे सेकंड वाला देखो, हाउ फार आर दी प्लेसेस गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस। ये वाला जो टेबल है वो टेक्स्ट बुक में भी था कि आपके घर से टेबल में जो प्लेसेस दिए वो कितनी दूर है वो लिखना है। ठीक है, टाइम टू वॉक इन मिनट्स, अगर हम चल के जाएंगे तो कितनी मिनट्स में वहाँ तक पहुँचेंगे, और डिस्टेंस कितना है इन किलोमीटर में लिखना है। ठीक है, थर्ड वाला देखो, विच प्लेसेस वर्थ सीइंग आर लोकेटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ देखने लायक हमें हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमें नेम एनी 8 प्लेसेस, कोई भी 8 ऐसी जगह का हमें नाम लिखना है। ओके चलो, क्वेश्चन 6 और 7 है वो हम बाद में करेंगे। ओके एक्टिविटीज़ में देखो, एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है, पेज नंबर 41, स्टिक और ड्रो पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज सीन इन योर एरिया इन दी बॉक्सेज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें आपको क्या करना है, आपने अब तक के जितने भी घर देखे हैं उसका पिक्चर ड्रो करना है, या आप पिक्चर है वो स्टिक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो पेज टर्न करो, पेज नंबर 42 पर, उसमें क्या करना है, ड्रो अ पिक्चर ऑफ अ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। यहाँ पे आपको जो बड़ा सा बॉक्स दिया है उसमें आपको माय चॉइसेस हाउस, यानी आपको जैसा घर पसंद है वैसा हाउस यहाँ पे ड्रो करके उसमें कलर करना है। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन पेज नंबर 43, उसमें जो हॉट्स क्वेश्चन है वो देखो। चलो MCQs है ना, फर्स्ट देखो कौन सा है, From where did Tejal fetch water at her house in the village? Tejal है वो गांव में पानी कहाँ से भरती थी, तो सी from the pond, यानी तालाब से। Second देखो, what good did Tejal do at Harsh's place? ठीक है, हर्ष के घर पे तेजल को क्या अच्छा लगा था, अच्छा नहीं लगा था, तो बी she stopped the wastage of वाटर। तो उसने एक अच्छा कौन सा काम किया था हर्ष के घर पे, तो उसने जो पानी वेस्टेज हो रहा था, हर्ष ने जो बकेट है वो टैप के नीचे रख दी थी और टीवी देखने बैठ गया था, तो वेस्टेज वाटर पानी का बहुत ही वेस्टेज हो रहा था, तो उसने अच्छा क्या काम किया, तो उसने वो टैप बंद कर स्टॉप दी वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को वेस्ट करने से बचाया था, तो सेकेंड में आपको लिखना है बी। थर्ड, वाई वॉज तेजल्स मामा वरीड अबाउट हिज हाउस। तेजल के जो मामा है वो अपने घर के लिए इतने परेशान क्यों थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे नोटिस भेजी थी, ही हैड टू मूव हिज हाउस, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस भेजी थी तो उसके लिए उनको घर बदलना था, चेंज करना था, शिफ्ट करना था, तो इसमें हमारा आंसर है डी, ही हैड टू मूव हिज हाउस। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।